नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के कीर्तिनगर में 24 जुलाई को दो बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोपी काबू। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी आरोपी की करतूत। बच्चियों से कर रहा था असली छेड़छाड़। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चस्पा किए थे आरोपी के पोस्टर। सोशल मीडिया में गिरफ्तारी के लिए कई तरह की तस्वीरें वायरल। आरोपी नरेश कुमार अभोर पंजाब का रहने वाला है। सिरसा में मिस्त्री का काम कर रहा था। आप देख रहे हैं अमर सिंह जानी की ये खास रिपोर्ट। सिरसा के कीर्तिनगर में दो बच्चियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने आज सिरसा के बेगू रोड पर से आरोपी को काबू कर लिया है। आरोपी पर 24 जुलाई को सिरसा में कीर्तिनगर क्षेत्र में एक मासूम से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा था और साथ ही एक अन्य मासूम बच्ची के साथ गलत हरकतें करने का भी आरोप लगा था। आरोपी युवक वारदात के बाद मौके से भाग गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने छापेमारी व कार्रवाई तेज कर दी थी और शहर में पोस्टर भी चस्पा कर दिए थे और साथ ही सोशल मीडिया पर भी गिरफ्तारी के लिए तस्वीरें वायरल की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है और आरोपी युवक पंजाब का रहने वाला है। वह बेगू, जहां पर बेगू रोड पर वह मिस्त्री का काम करता है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। आओ जी धर्मवीर जी, काजल साहब भी आ रहे थे। इसको सेंसिटिव मामला मानते हुए सीआईए की टीम और थाना शहर की टीम, चौकियों की टीम लगाई गई थी, इश्तिहार भी छपाए गए थे। उसी आधार पर आज सीआईए इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह जी और विनोद काजल सिटी एसएचओ की टीम ने उसको बेगू रोड से दोषी को गिरफ्तार करने की में सफलता हासिल की है। दोषी नरेश कुमार है, पंजाब का रहने वाला है और यहाँ में तो मजदूरी करता यहीं रह रहे हैं। मानसिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर मतलब थोड़ा सा उसका ये हम नहीं कह सकते भी, दिमागी तौर पर भी बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है, हष्टपुष्ट शरीर का आदमी है, अविवाहित है। पूछताछ में उन्हें बताया भी, उस दिन मैं कीर्तिनगर में गया था तो मेरे को मैंने पानी भरा हुआ था, एक बच्चे को निकाल दिया, जब लड़कियों को निकालने लगा तो नींद खराब होगी और उसी आधार पर काम किया।